बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद मैं दोबारा वीडियोस बना रहा हूँ और कुछ वीडियोस मैंने शूट भी कर दिए हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिटी के एक मल्टीमीटर के बारे में, जिसका मॉडल है UT33C+। तो इसमें हमारे साथ डी भी आते हैं, बी जो मॉडल्स है वो भी आते हैं, लेकिन वो थोड़े सस्ते होते हैं, उसमें और फंक्शंस होती है। इस मल्टीमीटर की बात की जाए तो इसमें हमारे साथ लिमिटेड ऑप्शन है, इतने ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, लेकिन बहरहाल एक अच्छा मीटर है। अगर आप एक आम टेस्टिंग के लिए या आपका आम काम के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें हमारे साथ जो है डायोड टेस्टिंग और कनेक्टिविटी टेस्ट है। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो कनेक्टिविटी टेस्ट पर है। तो जब आप इसको कनेक्टिविटी टेस्ट पर करेंगे तो यहाँ पर ये जो सैम्बल होगा वो ये ओहम का आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो ये डायोड टेस्टिंग पर चल गया है, तो यहाँ पर वी यानी ओल्ड का ऑप्शन आ चुका है। तो उसके बाद हमारे साथ इसमें रेजिस्टेंस टेस्टिंग के लिए है, ओहम टेस्टिंग के लिए है, तो कई ऑप्शंस है, 2 से लेकर आप 20 मिलियन तक ले सकते हो, किलो तक भी ले सकते हो। इस तरह इसके बाद हमारे साथ 200 मिली एम्पीयर से लेकर 600 वोल्ट तक डीसी का ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप किसी भी सोलर सिस्टम में काम करना चाहते हो, वहाँ पर वोल्टेज टेस्टिंग है, हाई वोल्टेज टेस्टिंग है डीसी की, तो उसके लिए ये मीटर कार आमद है। उसके बाद एसी टेस्टिंग के लिए यानी एसी वोल्टेज टेस्टिंग के लिए हमारे साथ 2 ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें 600 वोल्ट्स है और 200 वोल्ट्स है। तो अगर आप 110 वाली वोल्टेज को टेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए 200 का इस्तेमाल कर सकते हो। बहरहाल 600 का यूज़ कीजिए अगर आप 0 से लेकर 600 तक वोल्ट टेस्ट करना चाहते हो। बहरहाल पाकिस्तान में 440 तो उससे ज़्यादा तो वोल्टेज होती नहीं है। उसके बाद इसकी जो 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो है सेंटीग्रेड का और फारेनहाइट का। तो ये फारेनहाइट जो है ना, इस पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और सेंटीग्रेड पर भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये ऐसे काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको को इसके साथ एक सेंसर अटैच करना होगा। तो ये सेंसर इसके साथ होता है, मैंने इसे बाकायदा टेस्ट किया है और ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो एक को आपने कॉमन में लगाना है, यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, और एक को आपने यहाँ लगाना है। तो जैसे ही आप लगाएंगे तो यहाँ पर ये मुझे टेम्परेचर बताएगा कि यहाँ पर अभी ये रूम का जो टेम्परेचर है वो 31 है। और मैंने इसे बाकायदा टेस्ट किया है, मैंने इसे एक रेफ्रिजरेटर के जो ऊपर ऑपरेटर है उसके साथ लगाया, तो ये बिल्कुल सेंटीग्रेड उसका दिखा रहा था। अब उसके बाद जो ऑप्शन अवेलेबल है वो मिली एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर तक का है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। इसमें ये होल्ड का और सिलेक्शन का बटन है, और इसी तरह यहाँ पर अगर आप रात के वक्त या अंधेरे में काम कर रहे हो तो उस सूरत में आप इस लाइट बटन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 3 जगह दी गई है, तो यहाँ पर कॉमन है और यहाँ इन दोनों के बीच आप डायोड कनेक्टिविटी रेजिस्टेंस और इसी तरह जो टेम्परेचर टेस्टिंग है वो कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर इन दोनों के बीच कर सक इन दोनों के बीच आप सिर्फ 10 एम्पेयर के लिए जो है ना, ये मैक्सिमम 10 एम्पेयर के लिए है, तो वो टेस्ट कर सकते हो और वो आप सीरीज में कर सकते हो। तो ये एक अच्छा मीटर मुझे लगा। अब इसमें जो बी और डी जो मॉडल्स है वो मेरे ख्याल से 1100 या 1000 पाकिस्तानी रुपीज़ में मिल जाएंगे ऑफलाइन मार्केट में। और इसी तरह इस मीटर की जो कीमत है वो तो आपको ज़्यादा बताएगा, लेकिन ये 1300 तक मिल जाता है। 1300 मुझे तो 1300 का पड़ा है, आपके मार्केट पर डिपेंड करता है, वो बता रहा था 1500, लेकिन कंसेशन के साथ ये मुझे मिला है 1300 रुपये का, ठीक है। तो ऑनलाइन मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो डिफरेंट हो सकती है। इंशाल्लाह इस मीटर को आगे जाके हम अपने वीडियोस में यूज़ करेंगे और उसकी कारकर्दगी तो फिर पता चलेगी जब हम इसको 2-3 महीने यूज़ कर लें। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआओं में याद रखीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।